अरे जल्दी आ जाओ ऊपर, कोई नीचे रहा तो नहीं? नहीं धीरज, कोई नीचे तो नहीं रहा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाल ही के दिल्ली की त्रासदी के बारे तो आपने सुना ही होगा कि कैसे मात्र 30 मिनट के वर्षा के वजह से दिल्ली की सड़कों में पानी भर जाता है और कैसे एक कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भरने के वजह से 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हो जाती है। इन सबका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है, क्या वो कोचिंग संस्थान जिसने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाया, या फिर हम विद्यार्थी जो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी उम्मीद से कि हम माता पिता का नाम रोशन करें, उन्हें प्राउड फील कराएं, अपने सपनों को साकार करें? क्या हमारी यही गलती है? दिल्ली की ये त्रासदी केवल कल परसों की नहीं है, ये त्रासदी वर्षों से हो रही। मुझे आए हुए यहाँ काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे ढेरों त्रासदी देखे। कभी कोई कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, कहीं कोई पीजी में आग लग जाती है, कहीं बाढ़ में बच्चे डूब जाते हैं, कहीं किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। आखिर हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर बच्चा दिल्ली इस उम्मीद से ही आता है कि उसका भविष्य सफल हो सके। हर बच्चा अपने छोटे शहर से, एक छोटे कस्बे से, एक छोटे से गांव से दिल्ली में पढ़ने आता है। यहाँ आकर हजारों संस्थान में कोई एक संस्थान चुनता है और 2-3 लाख इन्वेस्ट करके, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, उनके माता पिता उनके लिए इतना कर्ज लेके या फिर कहीं से भी हो सके तो वो पैसे अरेंज करते ही हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते ही ज़रूर हैं, ताकि उसका बच्चा मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके। माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते, बस माता पिता अपने बच्चों की सलामती और उनकी सफलता ही तो चाहते हैं। पर दिल्ली की व्यवस्था, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, इन सब का यही सेम व्यवस्था है सारी। यहाँ के जहाँ भी यूपीएससी के हब से बने हुए हैं, यहाँ पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका यही है। यहाँ के खाना, रहना, हर कुछ इतना महंगा है कि बच्चे किस तरह स्ट्रगल करके रह रहे हैं ये हमें ही पता है। खैर, कोचिंग संस्थान की तो अलग ही बात है, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो उन्हें ही पता है कि क्या वो दे रहे हैं और कितनी सुरक्षा हमें प्रदान की गई है। अभी एक वीडियो क्लिप मैं डाल रही हूँ, ये बीते कुछ महीनों की है, ये हुई थी संस्कृति आईएएस की, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आग लगने की वजह से काफ़ी उथल फुथल मच गई थी और बच्चे ऊपर से छलांग मार रहे थे नीचे उतरने के लिए। आपने देखा ही होगा इस वीडियो को। ये वीडियो भी यही बताता है कि हमारी सेफ्टी कितनी 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 कोचिंग संस्थानों ने दे रखी है। और बात करती हूँ पीजी की, मैं एक क्लिप डाल रही हूँ, ये मेरी आग बीती घटना से रिलेटेड है। अंदर बहुत भयंकर, पांच उड़ गया, अंदर मत जाना।
ये जो भी आपने आग वाली त्रासदी देखी है, ये जस्ट मेरे पीजी के पीछे वाले पीजी में, एक गर्ल्स पीजी में आग लग गई थी। ये पीजी जस्ट मेरे पीजी के जस्ट पीछे ही था। मेरी आग बीती ये थी, मेरी मानसिकता मतलब इतनी मैं डर गई थी। मैं ही क्या, वहाँ पीजी में रह रही सारी बच्चियाँ, और ख़ासकर वो बच्चियाँ जो उस पीजी में थी जहाँ पे सचमुच में आग लगी थी। हम तो फिर भी उसके शिकार हुए थे, हमें कुछ नहीं हो पाया, पर जो बगल वाले पीजी की बच्चियाँ थी वो छत से छलांग मार रही थी, कोई रस्सी से नीचे उतर रही थी, क्योंकि नीचे से जाने का कोई रास्ता ही नहीं छूटा था। नीचे से आग की लपटें बाहर निकल रही थी, पीछे के गेट से बाहर मतलब वो आग की लपटें बाहर निकल रही थी, और जो वो मंजर था वो काफ़ी खौफनाक था। मैं अभी भी कांप रही हूँ, मुझे वो नज़ारा याद करने से ही काफ़ी, वो नज़ारा ही काफ़ी खौफनाक था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि कैसे हम कोचिंग से वापस आए। रूम में जाते ही बाहर शोर होने लगा और पता चला कि कहीं आग लगी है। मुझे ये नहीं पता था कि हमारे पीछे वाली गली में ही आग लगी है। वो हमसे इतना करीब था, हमारी बालकनी यहाँ थी, उनकी बिल्डिंग यहाँ सटी हुई थी, और इस तरह वो आग की लपटें हमारी बिल्डिंग में भी आ रही थी। हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, हमारे प्रशासन को कॉल किया, कॉल थोड़ा लग नहीं रहा था, कहीं डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, पर हमने बहुत कोशिश की, फायर ब्रिगेड्स को कॉल किया, बहुत सारे फायर ब्रिगेड्स आए। अगर शायद उस दिन भी वो लेट हो जाते तो वो लपटें हमारे पीजी में भी लग चुकी होती, और पता ही आगे क्या होता। खैर उसमें भी वैसा कुछ जोखिम हुआ नहीं, पर ये आपदाएं प्राकृत नहीं हैं, ये आपदाएं मानव निर्मित हैं, और इसके जिम्मेदार कौन है? वो पीजी वाले ही ना, और हमारा क्या दोष है? हम तो अपने छोटे से शहर से पढ़ने आए हैं। सरकार कब जागेगी? संस्कृति आईएएस में आग लगने के बाद काफ़ी कठोर नियम अपनाए गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों तक कुछ ऑफिसर्स आए, वहाँ तहकीकात हुई, सारे बिल्डिंग्स का मुआवजा लिया गया, देखा गया, सेफ्टी मेजर्स देखे गए, पर क्या हुआ? कुछ दिनों में बात दब गई। आज भी कुछ पीजीज कैबिन बना बना के रख रहे हैं बच्चों को, और उनका रेंट इतना ले रहे हैं कि एक गरीब परिवार के बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उनको पढ़ाई का तो लोड होता ही है, इन सब वजह से भी उनको काफ़ी बेबस होना पड़ता है। बस आपके सामने बस ये सच्चाई सामने रख रही हूँ ताकि लोगों को जागरूक कर सकूँ। आप भी अगर दिल्ली आना के पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के सोचना ज़रूर कि कैसे हम बच्चे यहाँ पे रह के पढ़ते हैं। हम ये सब भी सह लेते हैं क्योंकि हमें सफलता चाहिए, पर सरकार को भी हम बच्चों की सेफ्टी देखनी ही पड़ेगी। कोचिंग संस्थान को भी हमारी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सरकारों को कोचिंग संस्थानों के लिए कड़े नियम बनाने ही होंगे ताकि जो राउस कोचिंग में हुआ है वो हमारे कोचिंग्स में या फिर हमारे एरिया में ना हो सके। आखिर और कितनी जाने जाएंगी? और हमारा जो भी डिमांड है, आप भी हमारा सहयोग करें कि हमें जस्टिस मिल सके। उन भाई उन बहनों का जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनका क्या कसूर था? हम बस यहाँ पढ़ने आए हैं।
बस हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा और जो हमारा शोषण हो रहा है यहाँ पे, पैसों को लेके इतनी महंगाई है बेवजह, यहाँ के पीजी ऑनर्स मनमाने रेंट बढ़ाते हैं, यहाँ के ब्रोकर्स मनमाने पैसे लेते हैं, इन पर नियम होने चाहिए ताकि यहाँ आके बच्चे अच्छे से पढ़ सके। बस यही आग्रह है आप सबसे कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वरना ये त्रासदी रुकेगी नहीं, आज नहीं तो कल ये थम जाएगी और फिर से ये उजागर होगी कुछ महीनों के बाद। उससे अच्छा आज ही हम एक्शंस ले सरकार के प्रति, हमें जस्टिस चाहिए। धन्यवाद।